हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। एंड आज हम लोग एक दूसरा टाइप का वीडियो आपके लिए ला रहे हैं। जो हमारे पास इतना कमेंट्स आता है ओरेवा के ऊपर, तो उसी का एक वीडियो हम सोचे कि आज आपके लिए लेके आए। एंड यहाँ पे जिन्होंने कमेंट किया था मिस्टर संजीव जी, तो उन्होंने बताया था कि ओरेवा का प्रोडक्ट का थोड़ा पॉज एंड कॉन्स ये सब बताइए। तो हम लोगों ने आज एक ऑफिस पे आ गए जिसका डिज़ाइनिंग हमारे ही कंपनी ने किया था, कम्प्लीटली इंटीरियर एंड इलेक्ट्रिकल वर्क। तो जिसमें हम लोग ओरेवा का ब्रांड का प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे 3 साल पहले। सो आज उसका ही कुछ स्विच बोर्ड्स एंड ऑल दिखाते हैं इसी ऑफिस में आके, कि आफ्टर 3 इयर्स क्या क्या है। अगर कुछ दिखता है खामियां तो वो भी बताएंगे, एंड अगर कुछ पॉजिटिव है तो वो भी बताएंगे। वैसे तो मेरे को तो आज तक पर्सनली मेरे घर पे भी सारा ओरेवा का मॉड्यूलर लगा हुआ है, एंड कुछ जगह पे नॉन मॉड्यूलर जहाँ पे मॉड्यूलर पॉसिबल नहीं था क्योंकि घर भी पुराना है, तो आज तक तो कुछ प्रॉब्लम आया नहीं है। तो इसीलिए मेरे को खामियां पता नहीं है। आपके पास अगर कुछ आता है तो उसका फ़ोटो एंड कमेंट्स में ज़रूर बताएं, तो उसके ऊपर हम लोग वर्कआउट करके एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। बट चलिए आज आपको दिखा देते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं स्विच बोर्ड से, धीरे धीरे सब कुछ दिखाते कि कैसे हमने किया था। तो स्टार्ट करते यहाँ से। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो ये एक 8 मॉड्यूल केस कवर लगा हुआ है, जहाँ पे हम लोग 3 प्लग 2 स्विच के साथ कनेक्ट किए थे। अभी थोड़ा आप गौर से भी देखिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई मेरे को क्रैक्स या फिर कुछ तो दिख नहीं रहा है। थोड़ा नॉर्मली गंदा हुआ है, वो तो हो ही सकता है, इतना साल हो गया है। नेक्स्ट कमिंग टू दिस पार्ट ऑल्सो, यहाँ पे भी 8 मॉड्यूल है जहाँ पे 2 प्लग 1 स्विच से कनेक्टेड है, एंड ये 3 स्विच से आपका सीलिंग का जो लाइट्स है वो लाइट पावर्ड अप हो रहा है, 1 स्विच में 2 है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो खामियाँ, बोलो तो एक चीज़ आप देख सकते हो कि इतना बार ऑन ऑफ करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा क्रैक्स मेरे को दिख रहा है साइड से। आप देख सकते हो ये एक ब्लैक जो चीज़ आप देख रहे हो क्रैक्स, ये क्रैक हुआ है, बाकी मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे हम लोग यूज़ किए थे आपका जॉइंट बॉक्स को भी, हम लोग एक 3 मॉड्यूल केस कवर से ढक दिए थे ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, एंड यहाँ पे हम लोग ब्लैंक प्लेट्स लगा दिए थे। तो ये हमारा काम करने का कुछ तरीका है कि जॉइंट बॉक्स को थोड़ा बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपका सारा न्यूट्रल जैम होकर ऊपर सीलिंग में जा रहा है, एट द सेम टाइम यहाँ से आपका बोर्ड में भी जा रहा है, एंड यहाँ से आपका मेन यहाँ पे डीपी में भी जा रहा है। तो ये कुछ था। यहाँ पे और एक बोर्ड आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ पे आपका, देखिए 8 मॉड्यूल में भी हम लोग क्या किए थे, 2 मॉड्यूल के गैप को छोड़ दिए थे। यहाँ पे L3 मतलब ये लैन पोर्ट निकला है यहाँ से, एट दी सेम टाइम 2 प्लग है एंड 2 स्विच है। तो ऐसे ही यहाँ पे हम लोग हर कोई प्रोडक्ट को हम लोग ओरेवा ही लगाए थे, एंड उस हिसाब से तो कुछ खराबी अभी तक हुआ नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं आया, कोई स्विच नहीं चला है। बट उसका भी एक रीज़न है कि हम लोग अपने सर्किट जब हम लोग डिज़ाइन करते डायग्राम में ड्राइंग, तो उसमें बहुत बारीकी से हम लोग पर बोर्ड के हिसाब से प्रॉपरली MCBs लगाते हैं, ताकि एक बोर्ड में शॉर्ट होता है तो वो MCB ट्रिप होता है। ऐसा नहीं कि 4-5 बोर्ड लेके एक MCB डाल दिए, वो नहीं करते। इसमें थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा ही होता है ऑब्वियसली, क्योंकि हर बोर्ड के लिए आपको फेज़ अलग से खींचना पड़ता है, टैपिंग नहीं होता है, एंड MCB अलग से लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बड़ा होता है। बट इन लॉन्ग रन गाइज ये बहुत किफ़ायती मंथ प्रूफ होता है, एंड क्लाइंट हैसल फ्री काम कर सकता है। तो हम लोग ऐसे करते हैं। तो होपफुली संजीव जी आपका आंसर मिल गया होगा, मगर कुछ खामियां अगर आपको है, आपके पास है कोई नॉलेज पे, तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम लोग इसके ऊपर भी और वीडियो बनाएंगे। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफिसर।